साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, मीजोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोसोल, ये सब चीज़ें होती क्या हैं हम आज के लेक्चर में अच्छे से जानेंगे। इन टर्म्स में आप क्या करते हो, कन्फ्यूज़ हो जाते हो बार बार, आप इनको याद भी करते हो इनके डेफिनेशंस को, लेकिन तब भी आप कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़ रहते ही हो। तो इनको हम अगर समझ लें एक बार अच्छे से तो आप इसको भूलोगे नहीं। तो आज के लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म को कवर करेंगे। साइटोप्लाज्म हमारा क्या होता है उससे जानने के लिए हम उससे पहले कुछ इसके टर्म्स जान लेते हैं। देखो ये है हमारा एक सेल, है ना, ये सेल की मैंने एक आउटर मेम्ब्रेन बना दी, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर का जितना भी एरिया होगा, इसके अंदर का जितना भी एरिया है वो सारा का सारा क्या है हमारा प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर का जितना भी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी आपका एरिया आएगा सब क्या होगा प्रोटोप्लाज्म, इंक्लूडिंग सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, सब का सब हिस्सा क्या हो गया आपका प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, सब का सब प्रोटोप्लाज्म में आ गया। अब आप तक आपका क्या आएगा, ये हमने बना दिया एक न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, है ना। तो जैसे सेल के अंदर क्या होता है साइटोप्लाज्म, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म भी हो गया हमारा। अब आता है हमारा क्या साइटोसोल। साइटोसोल समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा सेल होता है सेल के साइटोप्लाज्म में आपको छोटे छोटे ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे अंदर छोटे छोटे ऑर्गन, हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, है ना, ऐसे ही हमारा साइटोप्लाज्म भी इसमें ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना, आपका गॉल्गी बॉडीज हो गया, गॉल्गी अपरेटस हो गया। तो बहुत सारे आपके अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं, राइबोसोम्स हो गए, है ना। तो ये जो ऑर्गेन्स आपके हैं ये भी आपका क्या होगा, कुछ स्पेस लेंगे, कोई जगह लेंगे। तो ये जो स्पेस ले रहे हैं उस स्पेस को हटाकर, उस स्पेस को हटाकर साइटोप्लाज्म में से वो जो एरिया बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम साइटोसोल। यानी कि साइटोसोल इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनल्स। यानी कि साइटोप्लाज्म में से अगर हम सेल ऑर्गेनल्स का जो एरिया है, जो स्पेस है उसको हटा दें, जो बच जाएगा वो क्या होगा हमारा साइटोसोल होगा। ओके, तो ये तीनों चीज हमने समझ ली। याद मत करना, सिर्फ समझना कि है क्या क्या, प्रोटोप्लाज्म, साइटोसोल और न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म को कुछ एरिया की। ये तीनों क्या हैं, इसके एरिया होते हैं। साइटोप्लाज्म को ना हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तीन एरियाज में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से हमारे तीन एरियाज हैं वो हमारा है, सबसे पहला आता है हमारा एक्टोप्लाज्म। इसको क्या करता हूँ मैं अंदर वाले को रब कर देता हूँ, है ना। अब देखो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, कहीं बीच में तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस तो रहने दो समझने के लिए, है ना। अब आपका ये जो हो गया ना, जैसे मार्कर चेंज कर लेता हूँ, मैं मार्कर तीन मार्कर रखूँगा तो आज को अच्छे समझ में आएगा। ये देखो ये वाला जो आपका सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन थी ना ब्लैक कलर से जो आउटर कवरिंग है, जो सेल मेम्ब्रेन उसके जस्ट जो नीचे है वो क्या है हमारा, वो क्या होगा हमारा एक्टो। एक्टो मतलब आउटर, मतलब बाहरी। एक्टो, एक्टो मतलब बाहरी, एक्टोप्लाज्म ये वाला एरिया। ओके, अब जो आपका न्यूक्लियस के पास अंदर होगा, ये जो अंदर होगा ना न्यूक्लियस के पास, वो वाला एरिया क्या होगा हमारा, ये वाला, इस वाले एरिया को हम बोलेंगे क्या, इस वाले एरिया को एंडोप्लाज्म। एंडो मतलब इनसाइड, अंदर, है ना, एंडोप्लाज्म अंदर। और बीच में जो एरिया आपका बच गया, ये जो आपका बीच में ये जो एरिया बच गया सारा सारा, जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, ये क्या हो गया हमारा मिडल वाला, मिडल मतलब मीजो, मीजोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे हम, मीजोप्लाज्म। तो ये आपके सेल के क्या होते हैं, तीन अलग अलग एरियाज होते हैं साइटोप्लाज्म में। ओके, तो एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म और बीच वाला कौन सा हो गया मीजोप्लाज्म। ओके, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे आपका कौन सा होगा एक्टोप्लाज्म, न्यूक्लियस के पास कौन सा होगा एंडोप्लाज्म, बीच में मीजोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या था आपको बताया मैंने, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी हिस्सा है सबका सब हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ऐसा सारे टर्म्स। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म जो है एक जेली लाइक सब्सटेंस है, एक जेली लाइक, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है।
जो कि बना हुआ है आपका 80% वाटर से, और बाकी इसमें क्या होगा, प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे, शुगर होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसके कंपोनेंट्स की हम बात करें तो इसमें तीन कंपोनेंट्स मेजरली आते हैं, साइटोसोल, ऑर्गेनल्स और आपका साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोसोल जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि आपका साइटोप्लाज्म में से अगर हम ऑर्गेनल्स वाला एरिया निकाल दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा साइटोसोल हो जाएगा। आपका ऑर्गेनल्स जैसे कि हमारे छोटे छोटे ऑर्गन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और आपका गॉल्गी अपरेटस, तो बहुत सारे आपके जितने भी होते हैं वो सारे सारे इसमें ही सस्पेंडेड होते हैं। साइटोप्लाज्मिक एक एरिया देता है, घर देता है उनको, ताकि वो उधर रहें। ठीक है, आपका साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ये आपका क्या होता है, इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, आपके स्टोरेज की तरह काम होते हैं। इसमें इसमें क्या क्या आ जाता है, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होते हैं, आपके सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स होते हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम का हो गया। ओके, तो ये सब चीज़ें आपके, ये क्या करेंगे, आपके न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, तो उसको स्टोर करके रखते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। तो ये होते हैं आपके कंपोनेंट्स आए सारे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म के, हमारा साइटोप्लाज्म के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन इसका है, ये प्रोवाइड करेगा मीडियम हमारे सेलुलर रिएक्शन को, हमारे जो सेल्स के रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो वो किस में हो रहा है, आपका साइटोप्लाज्म में ही होता है। फिर हम बात करते हैं हाउसेस ऑर्गेनल्स, आपके जो ऑर्गेनल्स होते हैं जो मैंने बताया था अभी आपको, तो उसको क्या दे रहा है, घर दे रहा है, जगह दे रहा है कि वो उसमें रह पाएं, तो वो कौन दे रहा है, साइटोप्लाज्म दे रहा है। सपोर्ट सेल स्ट्रक्चर, हमारा जो सेल है उसके स्ट्रक्चर को बनाने में सपोर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन। इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलकर आपको क्या बनाते हैं, सेल का साइटोस्केलेटन बनाते हैं, जिससे क्या होगा, सेल का स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब आपका मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, आपके जो साइटोप्लाज्म है वो मूव करता है आपका, जब सेल ऑर्गेनल्स आपके इधर से उधर, अगर आपका सेल ऑर्गेनल्स से कोई सामान जाना है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर सेल ऑर्गेनल्स को मूव करने के लिए आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। आपका साइटो स्टोर एंड रेगुलेट आयंस, आपका जो आयंस होंगे उनको स्टोरेज करेगा उनकी और रेगुलेट करेगा उनको। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब कि जैसे कि आपका कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या फिर प्लांट सेल की हम बात करें तो उसमें आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो उसमें क्या होता है, उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के पास तो होता है अपना डीएनए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपका होता है। तो क्या होगा, जब भी आपका जब फीमेल से जब ओवम आता है ना, तो फीमेल से जब ओवम आएगा तो आपका जो बेबी बनेगा, जो बेबी डॉटर सेल बनेगा, तो वो क्या होगा, आपका साइटोप्लाज्म जो है ना वो मदर का आपका ज़्यादा आता है, तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो किस, कौन कैरी करेगा, ये आपका साइटोप्लाज्म ही कैरी करता है। ओके, तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं आपके साइटोप्लाज्म के, और ये हमारा छोटा सा लेक्चर था आपका साइटोप्लाज्म का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिएगा और मेरे को थोड़ा सपोर्ट दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।